अरे पासवान जी, आपने मुझे सुअर बोल दिया, कुत्ता बोल दिया, बंदर जैसा मुंह बोल दिया। चलिए, ये आपकी अपनी परवरिश है। खैर, मैं इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देता हूँ। आप क्या बोलते हो, ये आपकी अपनी परवरिश है। और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ऐसे शब्दों का चयन करके हमें सम्मानित किया। इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि माननीय गंगाराम जी ने 16 तारीख का वीडियो में बोल दिया डेट रखने के लिए लखनऊ में। आपको सिर्फ अजमाने के लिए रखी गई थी डेट, 16 तारीख को कोई आंदोलन नहीं होने जा रहा है। लेकिन आज आपने रंग बदल दिया, आज आपने अपने वीडियो में ही कबूल दिया। क्योंकि जब भी आंदोलन होता है तब आप जैसे लोग झक मारते हो, जिस वजह से आज तक इस विभाग का बंटाधार हुआ। और आज अपने मुँह से आपने ये कह दिया। हम लोग यही इंतजार कर रहे थे, ये तुम कितने साफ सुथरे व्यक्ति हो। लेकिन दिल्ली में जो आपने यहाँ से कटवाई है ना, उसका भी वीडियो थोड़ा सभी भाई देख लें। और आप बोलते हो कि हमारे लोग कम हो गए देखने वाले। अरे तुम्हें पता होना चाहिए, 100+ लोग रोज जुड़ रहे हैं चैनल से। पर डे वीडियो डालता हूँ, हजारों की संख्या में एकदम रफ्तार में भागता है। पता है क्यों? कभी सच झुकता नहीं है। और बात तुमने कर दी कि पैर छुआता है लोगों से। आप सुन, वो ना मुझे मेरे पैर छूते हैं और ना मैं पैर छुआने की कोशिश करता हूँ। वो मेरा सम्मान करते हैं, मेरा जो पद है उस पद का सम्मान करते हैं। मैं जैसे भी समझ लो, मैं एक ब्राह्मण कुल से आता हूँ। और ब्राह्मण सच्चा असली वही होता है जो सही के राह पे चले, गरीबों की सेवा करे, जात पात ना करे, मानवता को एकजुट में करे। मैं वही कर रहा हूँ। तो मेरे पद और गरिमा के लोग पैर छू रहे हैं, ना कि मेरे। इस बात को दिमाग से निकाल दीजिए। और मेरा भगवान ये भी कहता है कि अगर आपका कोई सम्मान कर रहा है तो आप उसको लात नहीं मार सकते, आपको करवा लेना चाहिए। बहुत सारे भाई गले मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं, तो क्या मैं कह देता हूँ पैर छू लो मेरे? अजीब आदमी हूँ भाई। अगर कोई वो पैर छूता है ना, तो इस बात को याद रखना, उस पैर के छूने से मैं कुछ कहूँ या ना कहूँ, ऊपर वाला जो उसको देगा ना फल, वो तो खुद ही समझ में आ जाएगा आने वाले समय में। ठीक है मेरे भाई? तो पैर छुआना उद्देश्य नहीं है, लेकिन आज आपने रंग बदल दिया, ये दुर्भाग्य है। तो भाइयों, पहले इनका वीडियो सुन लो। मैं इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा हूँ, ना मैं ऐसे लोगों का कोई विरोध कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोग हमारे साथ खड़े हैं, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और इनका दिल्ली वाला वीडियो जरूर देख लेना लास्ट में। आज हम लोग लगातार 16 तारीख से धरना के माध्यम से सरकार को अवगत कराया है और आशा न विश्वास है कि हम लोग की तनख्वाह में वृद्धि होगी। विभाग से आते हैं और तुम बंदर जैसा मुंह लेकर के 14 तारीख में मीटिंग करा करके और चौकीदारों से हजारों हजारों रुपये की वसूली किया और 30 तारीख बीत गया तो तुम्हारा चेहरा डाउन हो गया भाई। अब क्यों नहीं कूद कर वीडियो बनाते हो? अभी जान नहीं रहे हो चौकीदारों को? जिस दिन चौकीदार अपने आप पर आ जाएंगे तो जिस तरह से आज वीडियो तुम्हारा देखना कम कर दिए हैं, तुम चौकीदारों के हाथ हाथ नहीं जोड़ोगे, रोने लगोगे कि बर्तन खाई नहीं बढ़ती है। नौजवान साथियों, इसका वीडियो देखिए, जो सुअर जैसा और बंदर जैसा मुंह का करके और सिर्फ लाइव शेयर के लिए यह आप लोगों को भरमाने की कोशिश करता है। चौकीदार को घर पर बुला करके और पैर छुआते हो, वीडियो दिखाते हो, किसी को खाना खिलाते हो तो वीडियो दिखाते हो, किसी की रिकॉर्डिंग करते हो तो वीडियो सुनाते हो। मैं कहना चाहता हूं, वो दिमाग से हटा दो। इस चौकीदार में पढ़े लिखे हैं और आज ये चौकीदार में पढ़े लिखे हैं नौजवान साथियों, जो तुम्हारे भरमाने से नहीं भरमेंगे। और तुमको ये दुआ पड़ेगा, जो दिल्ली के धरती पर नौजवान साथियों ने चौकीदारों को 14 तारीख में पैसा सुनने का काम यही यूट्यूबर ने किया है और इसका राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बोले, लोक समाज पार्टी के राज्य बताए हैं, इसको शर्म नहीं आती है, रोंगा मटक गया है ना,
आने वाले दिन में तुम आंसू बहाओगे तो कोई चौकीदार पहुंचने वाला भी नहीं मिलेगा। और हम लोग चौकीदार को जानते नहीं हो, ये चौकीदार अंग्रेजों के जमाने से आए हैं और संघर्ष किए हैं, अंग्रेजों के जमाने में ये डिप्टी किए हैं। आप तो तुम बहुत नादान हैं, क्या साबित करना चाहते हो? ये चौकीदार एक गरीब परिवार से आते हैं, शर्म लगना चाहिए कि जब दिल्ली के धरती पर 14 तारीख में तुमने पैसे की वसूली किया, झूठ पर झूठ वीडियो डाला, टोकरी चलाने के बाद पैसा आता है। अरे यार, गिट्टी ढोने के बाद ये चौकीदारों से पैसा आता है, वो पैसा तुमको कहीं चैन से नहीं रहने देगा। मैं बधाई देना चाहता हूं नौजवान साथियों कि इसका वीडियो देखना बंद कर दीजिए। जो हमने बोला था आपने इसका वीडियो देखना कम कर दिए, इसी से इसका चेहरा मटका हुआ है, देख लीजिए। कभी मटक करके अब वीडियो बना रहा है। इसी तरह से नौजवान साथी, माताएं एवं बहनों, सभी चौकीदार भाइयों से निवेदन करना चाहता हूं, जब ही इसका वीडियो बने, लाइक शेयर और कमेंट इसका बंद करिए, क्योंकि हम लोग को शोषण करने का कार्य कर रहा है। फालतू वीडियो डाल करके हम लोग को भरमाने की कोशिश करता है और कई पार्टों में बांटने की कोशिश करता है। तो इसका इस बंदर जैसा मुंह लेकर के वीडियो यूट्यूबर बना है, इसका बंद करिए। और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं नौजवान साथियों कि 10 तारीख तक देखेंगे। मैं इस झूठे की तरह नहीं कर रहा हूं कि 30 तारीख को तनख्वाही बढ़ने वाली है, 10 तारीख तक हम देखेंगे। आपका भाई आपका बेटा देखेगा। अगर 10 तारीख को तनख्वाही में वृद्धि नहीं होती है तो प्रदेश के सभी नौजवान साथियों से कहना चाहता हूं, माताएं बहनों से कहना चाहता हूं, चाचा बुजुर्ग से कहना चाहता हूं कि भले अपने परिवार और बीवी बच्चों को भी साथ लेकर चलना पड़े, तो हम लोग पैदल यात्रा के लिए लखनऊ की धरती पर माननीय मुख्यमंत्री जी का चल करके घिराव करने का काम करेंगे, कहने का काम करेंगे। और जब तक डटे रहेंगे, जब तक हम लोग की तनख्वाह, देखिए इस भाई ने विरोध किया है, सामने तस्वीरों में देख पा रहे हैं। उसको शर्म भी नहीं आ रही है कि बताइए लोगों से कहकर करके माला डलवा रहा है। सोचने वाली बात है। 16 को ये बेइज्जती करवा के आए हैं वहाँ क्षेत्र में। ये जमीन का सच वो बड़ी मुश्किल में मिल पाया हमको।
शर्म करो पासवान कि लोग देखे किस तरह से तुम्हारा हंसी उड़ा रहे हैं, फिर भी तुम्हें शर्म नहीं है। जबरदस्ती राष्ट्रीय अध्यक्ष बने घूम रहे हो, लोग वहाँ